हेलो दोस्तों, आज हम ट्वेल्थ गणित में एक्सरसाइज 7.4 के सॉल्यूशन पार्ट 3 को करेंगे। इस भाग में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हल करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले 5 को देखें, यहाँ है ऊपर में 3x dx। यहाँ जो फॉर्म हमने पढ़ा है उसमें सभी में ऊपर में एक चल रहा है, यानी अंश में एक। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ हम 3x बटे ये है 1 और प्लस इस 2 को बाहर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा x^4 और dx। यहाँ से इस 3/2 को बाहर कर लेंगे तो 3/2, चूँकि 3/2 कोफिशियंट है और कोफिशियंट समाकलन में भाग नहीं लेता है, तो 3/2 बाहर कर लिया। यहाँ बचा x/1/2 और प्लस x^4 को लिखेंगे, x² का स्क्वायर और dx। अब यहाँ प्रतिस्थापन लगाएंगे x² पर, यानी यहाँ पुट करेंगे x² = t। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x dx = dt। यहाँ से हमको मिलेगा x dx बराबर, ये दो उधर शिफ्ट होगा, 1/2 dt। अब x dx यहाँ है, x dx इसके जगह पर ½ dt जाएगा और यहाँ x² के जगह पर t रखेंगे। तो i हमारा हो गया, पहले यहाँ 3/2 बाहर है तो ये 3/2 और यहाँ से x dx के जगह पर ½ dt, तो ये ½ dt नीचे हो जाएगा 1/2 को लिख सकते हैं, 1/√2 का स्क्वायर और प्लस ये टी हो जाएगा इसके जगह पर, चूँकि x² को टी रखा है तो ये हो गया t का स्क्वायर। ये 1/2 बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 × 1/2 और इसको लिखेंगे dt/t² + 1/√2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्म बना है 1/x² + a² 1/x² + a², तो यहाँ सबसे पहले बाहर हो गया 3/4 और इसका समाकलन होगा 1/x² + a² का 1/a। a के जगह पर यहाँ है 1/√2 tan inverse x/a, तो x यहाँ t है और बाई ए हो जाएगा 1/√2 और प्लस c बराबर, ये हो जाएगा 3/4 और ये √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 और ये √2 ऊपर गया, 3√2/4 और ये हो गया टेन इनवर्स, √2 ऊपर चला जाएगा, √2 और t के जगह पर हमने रखा है x², इसको रख देंगे x² और प्लस c। तो ये हमारा है रिजल्ट। थोड़ा बहुत और इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो √2 को इससे काट सकते हैं, तो यानी ये हो जाएगा 2√2, तो बराबर ये हो जाएगा 3/2√2 टेन इनवर्स √2 x² और प्लस c, और ये हमारा है आंसर। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में है, सबसे पहले ऊपर में एक बनाना है, उसके लिए कुछ इसमें काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले इसको लिखते हैं, ऊपर में है x² dx और नीचे लिखेंगे 1 - x³ का स्क्वायर। अब x³ पर प्रतिस्थापन लगाएंगे सबसे पहले, तो पुट करेंगे x³ = t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² dx = dt। हमको चाहिए x² dx, तो यहाँ से x² dx बराबर हो जाएगा 1/3 dt। अब x² dx के जगह पर इसको रखेंगे 1/3 dt, तो i हमारा हो जाएगा 1/3 dt / 1 - 1 को लिख लेते हैं 1² और माइनस ये हो जाएगा t का स्क्वायर। 1/3 को यहाँ से बाहर कर लेंगे समाकलन से, यहाँ 1/3 हो जाएगा और यहाँ फॉर्म बना 1/a² - x² 1/a² - x². अब यहाँ इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले बाहर यहाँ है 1/3, फॉर्मूला होता है 1/2a, a के जगह पर यहाँ 1 है, a² - x² है, a² - x², यानी x के जगह पर यहाँ t है, तो ये हो जाएगा log mod a + x,
यानी एक प्लस टी बटे एक माइनस टी और प्लस समाकलन कांस्टेंट बराबर यहाँ से ये हो जाएगा वन बाई थ्री टू जा सिक्स और ये हो जाएगा लॉग मॉड वन प्लस टी के जगह पर हम रखा है एक्स क्यू तो ये हो जाएगा एक्स क्यू बटे वन माइनस एक्स क्यू और प्लस सी तो ये हमारा है आंसर। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।